आयरन फेस्ट इंडिया कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? ऐसे ट्रायंगल शिप पे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सोच रहे इसको ऑयल कवर वगैरह डलवाते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे। बहुत साउंड कर रहा है, इंजन ऑयल वगैरह मोबाइल वगैरह सब चेंज करने का है, इसलिए मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होगा इस बजवा तो मुझे पहले गाड़ी का सर्विस करना था। गाड़ी पूरी नंगा हो जाएगी, अभी फिल्टर भी अपने को चेंज करवाना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके ऊपर ना पूरा प्रॉपर मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। So, hey, what's up guys? It's Super Frog Vlogs. Welcome back to another video. आज का वीडियो क्या होने वाला तुम लोगों को आगे वीडियो पे पता चलेगा, क्योंकि आज मैं अपने बाइक के रिलेटेड भी होने वाला है। सबसे पहले आज मेरे को अपने बाइक की सर्विस कराने जाना है, और मैं किस लिए पिछले तुमको बहुत बार घुमा रहा हूँ कि बाइक मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बारे में आप तुमको पता चला है, किस लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ इतना दिन से मॉडिफिकेशन। तो अभी सबसे पहले मम्मी को हॉस्पिटल छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे गैराज सर्विस कराएंगे। पहले मम्मी को पहले हॉस्पिटल छोड़ जाएंगे, क्योंकि क्या मम्मी आपको थायराइड है ना, थायराइड के चक्कर में अभी मम्मी हॉस्पिटल जाएगी, तो मेडिसिन वगैरह लेके आना है। हाँ ठोक दो गाड़ी, ठोक दो, तोड़ दो सब, स्कूटी पर ठोक दो, मेरे गाड़ी पर अगर ठोका तो मैं ठोक दूंगा। तो सबसे पहले अभी मम्मी को पहले हॉस्पिटल छोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग अपना बाइक का सर्विस कराएंगे। तो अभी फटाफट अभी निकलते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है, गाड़ी का सीट लिटरली बहुत ही गर्म है। तो हम लोग तो फिलहाल अभी हॉस्पिटल पे, तो मम्मी अभी गई है डॉक्टर से मिलने, देखते हैं डॉक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करो, ये रहा हॉस्पिटल, इधर एक हॉस्पिटल है और उधर सबसे बड़ा वाला हॉस्पिटल है। तो अभी वेट करते हैं मम्मी का, डॉक्टर आ रहा है कि नहीं है देखते हैं, फिर अगर डॉक्टर होगा तो मम्मी का मतलब क्या चेकअप करवाना हो जाएगा, तो अदरवाइज हम लोग निकल जाएंगे अपना बाइक को सर्विस करवाने। फिर मेरा मेन चीज़ किस लिए मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होगा इस बाइक को सजवा तो मुझे पहले गाड़ी का सर्विस करना था, फिर उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें, तो इस चीज़ के लिए मैं उतना दिन से रुक रहा था। मैं अभी घर पे वापस आया था मम्मी को हॉस्पिटल पर छोड़ के, और डॉक्टर हॉस्पिटल पे। तो अभी मैं घर किस लिए आया था, सिर्फ एक ही चीज़ के आया था, इसी के लिए, क्योंकि बहुत धूप हो रही है। तो अभी मेरे को बाइक चला के बहुत दूर भी जाना है थोड़ी, तो इसलिए मैं सनग्लास ले लेता हूँ वाला। तो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ अपने बाइक का क्या मॉडिफिकेशन मतलब क्या सर्विस करवाना है। तो सबसे पहले अपन अपनी बाइक रॉक मॉडिफिकेशन करने से पहले एक चीज़ करेंगे, जिसका जो सर्विस है ना गाइस, वो मेरे को सर्विस करवाना है, क्योंकि इसका जो चेन स्पोकेट है ना वो बहुत साउंड कर रहा है, इंजन ऑयल वगैरह मोबाइल वगैरह सब चेंज करने का है मेरे को। फिर इसके बाद हम लोग इसको ना मॉडिफिकेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले तो सोच रहा हूँ इसका इंडिकेटर वगैरह चेंज करवाऊँ, यहाँ पे R15 का इंडिकेटर लगाएंगे सोच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, फटाफट अभी चलते हैं, पहले गाड़ी को सर्विस कराएंगे, फिर इसका एक दो दिन के बाद उसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली अपन लोग गैरेज पे आ गए, तो हियर इस गैरेज जैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन लोग गाड़ी का ना चेन स्पोकेट वगैरह चेंज करेंगे और मोबाइल भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसका बहुत मतलब बहुत खटारा होने को आ गया, मतलब इतना खटारा तो नहीं है बट हम लोग चेंज कर रहे हैं, रिस्क लेने का नहीं है अपने को, तो इसको चेंज करवा देंगे सबसे पहले। और अपन का नाम तो हम चेक कर सकते, कितने ऑसम लग रही है यार अपने बाइक को, रॉ गाड़ी पूरी नंगा हो जाएगी, अभी पूरी पुर्जा वर्जा खुलेगा, फिर इसको पूरा फुल सर्विस ही तुम लोग समझ लो, मॉडिफिकेशन वगैरह स्टार्ट होगा। सीट निकालने से कितने धूल जम रखी है, इसको इग्नोर करो गाड़ी को, क्योंकि अंदर से धूल गंदा हो जाता है। बट आज सुबह मैं इसको वॉश किया था बुलेट को, और इसको वॉश किया था हम लोग, तो अंदर का तुम लोग छोड़ ही दो, तो इसको पहले अभी सर्विसिंग कराते हैं। ये मोबाइल चेक करो गाइस, इसकी कितनी खतरनाक मोबाइल वगैरह निकल रही है। इस गाड़ी का ये फिल्टर भी अपने को चेंज करवाना पड़ेगा, और तुम्हारे भाई की गाड़ी को देख सकते हो पूरा खोल दिया, पूरा नंगा जैसे दिख रहा है, पता नहीं था ये लोकल लग रखा है, लोकल ये लोकल है बोल रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं है। हम लोग ओरिजिनल इस पर डलवा देते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन होता है, और मोबाइल वगैरह चेक कर लेंगे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ मेरे। तो तुम्हारा भाई का बाइक पूरा क्लीन हो रहा है जैसे देख सकते हो, यहाँ पे कितना डस्ट हो रखे थे, इसको साफ कर देंगे पूरा ऑयल से, फिर उसके बाद ना इसको पूरा कवर वगैरह लगा, इसको पूरा फुल काम करवाएंगे। तो स्मूथ चल रहे थे बट इसका अभी फिर हम लोग सर्विस करवा देते, भैया भी मेरे को बोला सर्विस करवा दे बोल के। और यहाँ पे फिल्टर वगैरह इसका चेंज होगा बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट लग रखा था, तो हमने ओरिजिनल डला देंगे यहाँ पे। नया वाला फिल्टर इंस्टॉल करेंगे अपन लोग, ये शायद ओरिजिनल है होंडा का, जेन्युइन पार्ट्स है, तो हम ये इंस्टॉल करेंगे। और ये डुप्लीकेट था तो इसको हम लोग निकाल देते, अपना ओरिजिनल डलवाने वाले हैं होंडा का। ये डुप्लीकेट पता नहीं कब लगा दिए थे गाड़ी पे, जो भी है, बट हम लोग अभी ओरिजिनल लगाएंगे। तो ऑयल फिल्टर इंस्टॉल हो रहा है गाड़ी पे पूरा, कभी चेंज करते भैया से पूछते क्या बोल रहे हैं, मोबाइल वगैरह चेंज कराएं या ना कराएं, तो मोबाइल और कितना चलेगा पूछ लेते हैं, फिर मोबाइल वगैरह भी चेंज करवा देंगे। पहली बार बाइक को अपना लेके सर्विस पे आया हूँ, तो अभी गाड़ी पे मोबाइल वगैरह भी डलवा देते, क्योंकि मोबाइल पूरा खत्म हो गया था, तो अभी मोबाइल डलवा देते, ओरिजिनल लेकर ही डलवाएंगे।
डलवाना बहुत जरूरी था क्योंकि हम लोग एक बार चेक किए थे तो उसका पूरा खत्म होने को आ गया था, बट अभी पूरा खत्म हो गया, एक दो महीने के बाद चलने के लिए था, तो अभी हमको चेंज करवाना था। अभी जब सर्विस पे आए तो चेंज करवा देते, बोला तो मोबाइल वगैरह चेंज करवा दिया हमने। फाइनली अपना बाइक पूरा सर्विस हो गया, पूरा डन हो रखा, फिर अभी अपन इसके ऊपर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। बाइक का टेस्ट ड्राइव तो हम चेक करो अभी भैया, टेस्ट ड्राइव लेके जाएंगे। तो सर्विस करने के बाद भैया एक बार चेक करते हैं गाड़ी कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर कुछ कुछ खराब हुआ तो वापस हम ठीक करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जो गाड़ी का सर्विस था इसीलिए मैं रुक गया था क्योंकि मोबाइल वगैरह चेंज करना था। तो ऊपर ऊपर से उसको ठीक करें तो कोई फायदा नहीं है, पहले अंदर से उसको ठीक करेंगे फिर उसका मॉडिफिकेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करता, बट अभी तो हो गया, अभी हम लोग मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सर्विस वगैरह कंप्लीट हो गया, तो थैंक यू भैया करने के लिए। अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर्स अगर देख रहा है कैसे यहाँ से भैया के पास आना, होंडा का सारा सर्विस करवा दे, अवेलेबल है, तो थैंक यू भैया कम रेट में कर दिए। तो हमारे घर निकलते और मैं तुमको गाड़ी के बारे में बता दूँ क्या क्या खर्चा हुआ और क्या क्या खर्चा नहीं हुआ। तो कोई भी मेरा व्यूवर्स अगर किसी यहाँ से देख रहा है तो भैया के पास आ जाना, ये उनका शॉप है फ्रेंड्स के साइड में। सभी फुल घर निकलते और बहुत धूप हो रही है गाइस, आपको बता दो कितना खर्चा आया। तो इसका 850 का खर्चा आया, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, तो तुम लोग भैया के दुकान में जाकर विजिट करना। तो अभी हमने अपने पार्किंग पे गाड़ी रख दिए पेड़ के नीचे क्योंकि बहुत धूप हो रही है। तो अपना गाड़ी से गाइस मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तो कहीं पे के रखना पड़ता है, धूप से तो बचाना पड़ता है और इतनी गर्म हो रही है। बट अभी घर चलते हैं, मैं नहाया वाया कुछ नहीं हूँ, फिर फटाफट नहाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को निकलेंगे। गाड़ी बहुत साउंड दे रही थी, अब बिल्कुल साउंड नहीं दे रही, बहुत स्मूथ चल रही है, पूरे मक्खन की तरह। A few moments later. बस अभी हम लोग शाम का भी ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मैं घर पे आके नहाया नहीं था, मैं घर आके नहा लिया फिर खाना वगैरह खा के मैं सो गया था, तो फिर मैं अभी जाकर ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और तुम लोग पूरा लोकेशन देख सकते हो, पूरा हर जब खेत ही खेत है यहाँ पे, पूरा शांति वाली जगह से हूँ, थोड़ा साइड वाली जगह पे, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा था इसीलिए। अपने बाइक के बारे में कुछ बात क्लियर कर देता हूँ मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, तो मैं तुमको सबसे पहले बता देता हूँ। तो तुम अपने ये बाइक चेक करो, तो सबसे पहले मैं आज इसको सर्विस पूरा कंप्लीट करवा दिया, तो अभी हम लोग इसके ऊपर ना पूरा प्रॉपर मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर सकते, कोई डर नहीं होगा। मेरे को मोटर ब्लॉक सेटअप तो खरीदना है, उसके बाद मॉडिफिकेशन करें वो आपको पिछले वीडियो पे बताया था। पहले जो मेन काम था गाड़ी का वो था सर्विस, तो अभी सर्विस क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर का काम करेंगे, LED बल्ब डलवाएंगे यहाँ पे, बस इसका बल्ब डलवाएंगे आगे पीछे दोनों साइड। R15 पे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह भी है जो कि मेरे को सत्या भी आने दिया था, तो मैं तुमको बता दूँ R15 का इंडिकेटर कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ट्राइंगल शेप पे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सोचते हैं इसको व्हील कवर वगैरह भी डलवाते हैं। तुमको बता दूँ अभी मैं एक जो सी लोकेशन बना गया बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा शांति एरिया है। फॉग लाइट वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो, ये रीज ID शुभम रॉक बोल का ID है, तुम जाके फॉलो कर लो, और मैं डेली एक एक रील अपलोड कर रहा हूँ अपने रॉ के साथ। आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम लोग खाते पीते स्वस्थ मस्त मचाते रहो। कुछ कौन सा मॉडिफिकेशन अपने रॉ पे अच्छी दिखेगी कमेंट पे जरूर बताना। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, लेट्स सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक खाते पीते स्वस्थ मस्त मचाते रहो एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और कमेंट पे जरूर बताना गाड़ी पे कौन कौन से मॉडिफिकेशन अच्छी दिखेगी, सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर गाइस। मैं दुनिया दे ओपोजिट चलदा ते पैर दे ले चल।